अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीमेंट के रेट के हवाले से बड़ी अपडेट है आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सीमेंट के रेट के हवाले से अपडेट अभी तक नहीं आई। तो दोस्तों, अपडेट तो मैंने कल ही देनी थी, मैं कुछ मसरूफ था जिसकी वजह से कल मैं वीडियो नहीं बना सका और अभी मेरे पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं और मैं आपको बताता हूं कि तातील रेट क्या है और सीमेंट के रेट में कितनी कमी हुई है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में कमी हुई है, तकरीबन 40 रुपये डीजल के रेट में कमी देखने में आई है और 18 रुपये पेट्रोल का रेट कम हुआ है। तो चले दोस्तों, आपको रेट्स अपडेट करता हूं। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाजमी फॉलो कर लें। तो दोस्तों, मैंने तकरीबन 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जब तेल के रेट्स नहीं बढ़े थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 18 से 20 रुपये जो है वो आपका पेट्रोल सस्ता होगा और उसके बाद जो आपका डीजल है वो 30 से 40 रुपये तक सस्ता हो सकता है। 35 रुपये की आवाज़ थी कि भाई 35 से 40 रुपये सस्ता होगा, तो वही हुआ है कि 18 रुपये आपका जो पेट्रोल है वो सस्ता हुआ है और जो आपका डीजल है उसके रेट में 40 रुपये तक कमी देखने में आई है। अब दोस्तों, अच्छी खासी कमी है, ये थोड़ी बहुत कमी नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसके रेट में इजाफा भी इसी तरह हुआ था कि 30-30, 40-40, 55-55 रुपये इस तरह इजाफा देखने में आया था डीजल के रेट में और सीमेंट का रेट भी इसी तरह बढ़ा था कि यानी जब 30 रुपये रेट बढ़ता था आपका डीजल का तो 30-40 रुपये आपके सीमेंट का बैग भी बढ़ जाता था। अब मैं आपको अपडेट देता हूं आज की कि क्या वाकई उसी तरह इसके रेट में कमी भी हुई है या फिर नहीं। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में जो कीमतें होती हैं जिस तरह ऊपर जाती हैं वो आप लोग भी जानते हैं कि भाई उस तरह वो कीमतें नीचे नहीं आती। लोगों के पास जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, ये हो गया वो हो गया, जिसकी वजह से रेट्स कम नहीं हो सके। लेकिन सीमेंट के रेट में कितनी कमी हुई है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाक सिम की और बेस्ट वे की। पाक सिम और बेस्ट वे का जो आज की ताजा रेट लिस्ट के मुताबिक रेट है ये 1,080 रुपये, लकी सीमेंट 1,070 रुपये, मैपल लीफ 1,090 रुपये, फौजी सीमेंट 1,070 रुपये, कोहाट सीमेंट 1,070 रुपये, अटक सीमेंट 1,075 रुपये, अस्करी सीमेंट 1,070 रुपये और पाइनियर 1,080 रुपये, पावर सीमेंट 1,090 रुपये। दोस्तों, अगर किसी और ब्रांड का आप रेट मालूम करना चाहते हैं जिसका इस लिस्ट में मैं नहीं बताऊंगा तो सिर्फ ब्रांड का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दे, अगर हमारे नॉलेज में हुआ तो हम आपको उसका रेट भी अपडेट कर देंगे कॉमेंट्स में ही। चराट का जी रेट है 1,070 रुपये, डी जी सीमेंट 1,080 रुपये, फ्लाइंग पाकिस्तान 1,050 रुपये। तो दोस्तों, ये आज की ताजा लिस्ट के मुताबिक रेट्स थे सीमेंट के। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि इसके रेट में कितनी कमी हुई है। दोस्तों, कमी बहुत मामूली है, आप हिसाब लगाएं डीजल के रेट्स और पेट्रोल के रेट्स के हवाले से कि जितना उनके रेट्स में कमी हुई है तो 40 से 60 रुपये तक कमी बनती थी सीमेंट के रेट में डाउन होने की, लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक अभी तक सिर्फ 10 रुपये सीमेंट का रेट कम हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आने वाले दिनों के हवाले से आपको बता दूं कि इसके रेट में इंशाल्लाह मजीद कमी होगी। दोस्तों, इसके रेट में मजीद कमी के बारे में जो ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी और उम्मीद है कि मजीद आने वाले दिनों में इसका रेट मजीद डाउन होगा क्योंकि तेल के रेट तो कम हुए ही हुए हैं, डिमांड अभी बहुत कम है। तो दोस्तों, यदि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।